Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you, no. बजट था उसके हिसाब से जो मेरे अकॉर्डिंग किचन रेडी हुई है उसका आज मैं आपको दे रही हूँ किचन टूर। किचन में जो स्टोन लिया था वो आप लोगों को पता है कि मुझे व्हाइट कलर का स्टोन चाहिए था, तो ऑप्शन थे क्वार्ट्ज के, नैनो व्हाइट के। तो पहले मैंने क्वार्ट्ज भी देखा, नैनो व्हाइट भी देखा, नैनो व्हाइट लिया भी, लेकिन फिर मैं दोबारा से जो कि मैंने पहले पसंद किया था ग्लास व्हाइट, उस पत्थर पे आ गई। तो जो ये स्लैब लगवाई इसमें एक जगह थोड़ा सा जोड़ आया, तो जब मुझे मैंने पीछे लगवाने की बात करी तो वही हुआ कि उसमें एक जोड़ आएगा, कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा, और जब हम इतना महंगा पत्थर या स्टोन लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया, पहले काउंटर टॉप पे लगवा लिया और फिर जो है बड़ी वाली जो टाइल्स आती हैं 6x4 की, 8x4 की, वो मैं टाइल्स लेकर आई सैंपल की तरीके से, और वो मैंने पीछे लगाकर देखी, रखकर देखी जब ये किचन बन रही थी, लेकिन उससे बिल्कुल भी लुक निकल कर नहीं आया। और मैंने डिसाइड किया कि मैं किचन में ऊपर की तरफ भी, यानी इस साइड पे भी जहाँ टाइल्स लगती हैं, वहां पर भी मैं जो हूँ स्टोन ही लगवाऊंगी, और मुझे ऐसा लगता है ये मेरा बेस्ट डिसीजन रहा। जब किचन बनवाने की बात आती है तो पहली चीज पूछी जाती है और वो है कलर। मेरा जो मन था और मेरी जो पसंद थी वो थी ऑल व्हाइट, कोई भी कलर मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन जब मेरे हाथ में 3D डिजाइन आया किचन का तो उसमें जो कलर इंक्लूडेड था वो था ग्रे कलर। मुझे कलर नहीं चाहिए था किचन में, तो मतलब और उन लोगों का जैसे जिन्होंने मुझे किचन बना के दी उनका कहना था कि इसमें एक कलर हम डालेंगे और उससे किचन अच्छी लगेगी, और मैं भी एक मतलब जिसे कहते हैं ना एक थोड़ा सा चेंज उनके कहने पे मैं तैयार हो गई करने के लिए। तो मैंने कहा कि ग्रे कलर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ नेचुरल कलर हम इसमें लेंगे, और मैंने लिया वुडन कलर। लेकिन जो वुडन कलर मैंने लिया था वो था बिल्कुल लाइट कलर, वो ये कलर नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरा लाइट कलर को डिस्कार्ड किया और बोला कि नहीं आप हमारे कहने से थोड़ा सा इस कलर को लेके चलिए। जब पहले घुसते थे तो यहाँ पे पूरी एक वॉल थी, आप लोगों ने देखी होगी किचन में जब एंटर करते थे, लेकिन मैंने वो वॉल तोड़वा दी और यहीं से जो है मेरा काउंटर टॉप स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे पीछे है सीढ़ियां और यहीं से स्टार्ट हो गई मेरी किचन। ये दीवार टूट गई तो बहुत सारी जगह मिल गई। हॉब जो है वो हेफले ब्रांड का है, छोटा हॉब मैंने लिया है क्योंकि किचन का साइज बड़ा नहीं था। करूं नीचे की कैबिनेट्स की, इसके बारे में तो मैंने पहले से ही ड्रॉर्स के बारे में आपको बताया है, तो इसमें कई वैरायटी आती हैं। मैंने जो एक्रिलिक फाइबर वाली होती ना एक्रिलिक वो ली है, और इसमें जो मैंने हैंडल्स लिए थे वो मैंने ब्लैक कलर के लिए थे पहले, लेकिन जैसे ही किचन की जो चीजें इंस्टॉल होनी स्टार्ट हुई तो जो उसमें से निकला वो ब्लैक कलर की बजाय गोल्डन कलर निकला, तो मेरा थोड़ा सा लगा भी कि अरे मैंने तो जो सोचा था वो ब्लैक था, बट जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और इस हॉब के आसपास ही मेरे जितने भी मसाले हैं, दाल वगैरह हैं, जितना भी खाना बनाने का सामान है वो इसी एरिया में है। क्योंकि छोटी किचन में क्या होता है ना, जब आप आ जाते हो और किसी और को भी आपके साथ काम करना है तो प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने बिल्कुल शुरुआत में, क्योंकि मुझे ओपन किचन पसंद है, तो शुरुआत में किचन में घुसते ही मैंने हॉब दे दिया।
ये सारी जो कैबिनेट्स आ रही है ना, इसके बीच में भी ये एक ओपन शेल्फ है जो कि ग्लास की है और इसमें भी लाइट्स लगी हुई हैं छोटी छोटी। इससे क्या होता है, जो कैबिनेट्स का एक लुक आता है ना एक बार में, तो उसे ये बीच में ब्रेक करता है, तो इससे खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये तो आप देख ही रहे हो वही टैप है जो कि मैंने हिंदवेयर के रेड कलर के खरीदे थे, लेकिन किचन में रेड कलर नहीं है, मुझे कोई दूसरा कलर नहीं मिला था इसलिए मैंने रेड कलर के लिए थे। और जो मैंने व्हाइट कलर का सिंक लिया है, ये कैरेसेल ब्रांड का व्हाइट क्वार्ट्ज जो है सिंक। और देखो हॉब बिल्कुल शुरुआत में है और सिंक बिल्कुल इधर की साइड है, यानी दोनों चीजें मैंने बहुत दूर रखी हैं। उसकी रीजन भी यही थी कि जब वहां पे खाना बनाए ना, तो कोई भी इधर से मतलब उधर से इधर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, और अगर दो लोग भी किचन में काम कर रहे हैं तो आराम से कर सकें। जबकि जो ये सिंक वाला एरिया है जहां मैं खड़ी हूँ, बर्तनों का सारा जितना भी सामान है, खाना जैसे जितना भी बर्तन जितने भी होंगे ना, वो सब इसी सेक्शन में है, यानी कि जहाँ हॉब है वहां पे है खाना बनाने का सारा सामान, और जहाँ पे सिंक है, सिंक की दोनों तरफ सारा सामान यही पे है जो कि बर्तन होते हैं। तो पहली चीज सिंक जहाँ पे है उसके साइड में है ये मेरी डिश रैक, जिसमें कि मैं सारे रखूंगी बर्तन धुलने के बाद, या तो इसमें काफी सारे बर्तन मेरे आ जाते हैं। और एक चीज और है, जो इधर वाला एरिया है ना, इसमें मुझे एक स्पेस मिल गया है जहां की मैं बर्तन धोने के बाद इस स्पेस में रखती हूँ और वो दिखाई नहीं देता है, वो बिल्कुल छिपा हुआ रहता है। उससे क्या होता है, जैसे कि कई बार होता है बर्तन आप धोते और आप प्लेटफॉर्म पे रख देते हो तो आपको वो लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो रखे हुए अच्छे नहीं लगते, तो उन्हें आपको जो है ना पोंछ के रखना पड़ता है। लेकिन है क्या, जैसे मैं यहाँ पे बर्तन धोती हूँ और उसको इधर रख देती हूँ, आपको अभी भी दिखाई नहीं दे रहे, और इसमें मैंने बर्तन अभी भी रख रखे हैं, जो तो जब वो सूख जाएंगे तो आराम से मैं उन्हें यहीं पे रख सकती हूँ। तो ये एरिया बिल्कुल हिडन निकल कर आ गया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे बर्तन वॉश किए और उनको यहीं पे रख दिया, तो यहीं पे जैसे यहीं पे मैंने अपना स्पून का स्टैंड रख रखा है, जो अपनी और चम्मच वगैरह है वो रख रखी है, और यहीं पे मेरे जो बर्तन धुल के मैं यहीं रख देती हूँ और बाद में उनको लगा देती हूँ। दोनों तरफ किचन में मैंने कवर किया है, लेकिन ये हिस्सा बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं लगता है, और इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा नहीं है, शायद 20 इंचेस के आसपास या उससे कम है। करेक्ट मेजरमेंट मैं आपको ड्राइंग में बताऊंगी। तो ये वॉल बहुत ही सुंदर है, दिखाती हूँ आपको इसमें। सबसे पहले जो सिंक का साइड है ना, उसके बाद यहाँ पे जो अलमीरा है, ये एक कांच की अलमीरा है, ये क्रॉकरी वाली यूनिट नहीं है, मुझे क्रॉकरी किचन में रखनी ही नहीं है, उसको मैं बाहर रखूंगी क्रॉकरी को। तो ये अलमीरा है जिसमें कि आप अपने यूटिलिटी का कुछ ऐसा सामान रख सकते हैं, कप्स मग्स स्नैक्स वगैरह रख लो, तो उस टाइप से मैंने जो है इसे डिजाइन किया है। ये बेसिकली एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं ना, OTG है आपका, मिक्सी है, ये सारी चीजें बहुत ढेर सारी होती हैं जो कि काउंटर टॉप में बहुत जगह घेरती हैं। तो ये मैंने एक रोलिंग शटर यहाँ पे लगवाया है जिसमें रहता है सारा सामान जो भी हमें जरूरत पड़ती है अपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसको बोल सकते। और इसी में अंदर प्लग्स भी हैं, अगर यहीं पे OTG, जैसे OTG को मुझे चलाना है तो वो यहीं चल सकता है, मिक्सी को मैं यहीं पे चला सकती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे ना चलाने मतलब आप नहीं चलाना चाहते हो, जैसे मैं नहीं चलाऊं, जैसे ऐसा लगे कि नहीं भाई हाँ मैं राइस कुकर का यूज ना करूं या मिक्सी का नहीं यूज करूं, तो यहाँ पे एक सेपरेट स्पेस भी है, अभी दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली ये ना इसी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हो, ये आपको कितनी चौड़ी चाहिए, इसमें कितनी शेल्फ चाहिए। रोलिंग शटर के साइड में ये है एक छोटा सा काउंटर टॉप जिसपे की माइक्रोवेव रखने के लिए जिसको की आया गया था, लेकिन मैं माइक्रोवेव का यूज नहीं करती हूँ। इसके ऊपर भी स्टोन लगा हुआ है, वही सेम ग्लास व्हाइट स्टोन लगा हुआ है। इसमें लगी हुई है वही वुडन कलर की शेल्फ। ये जो पीछे आप ब्रिक पैटर्न देख रहे हो ना, ये एक वॉलपेपर है। इस स्पेस को मुझे कैफेटेरिया वाला लुक देना था, क्योंकि शानू जो है चाय उसका कॉफी का बेहद शौकीन है, उसे बहुत तरीके की कॉफी बनानी आती भी है, और उसने कहा कि माँ मुझे आप ना ये थोड़ा सा लुक ऐसा दे दो कि मैं यहाँ पे अपनी कॉफी मशीन रख सकूं, तो माइक्रोवेव तो मैं यूज करती नहीं हूँ, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आई ये कॉफी मशीन। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो किचन की ये कैबिनेट्स होती है इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल प्लेन होती है, लेकिन है क्या, जो ये किचन की कैबिनेट्स हैं इसके ऊपर ना पैनल्स हैं,
इस तरह से रखे हुए हैं, वो एक एक पीछे है और एक आगे है, और आगे वाले में नीचे लगी हुई है एलईडी लाइट्स, जिससे कि पूरी किचन जो है ना बहुत ही जगमगा जाती है। इफेक्ट आता है इससे, और मैं इस चीज को लेके थोड़ी सी मतलब समझ नहीं पा रही थी कि इसको मैं लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। तो हुआ क्या, पहले जो इंस्टॉलेशन हुआ वो केवल कैबिनेट्स का हुआ था, मैंने सबसे पहले उसका इंस्टॉलेशन कराया, और फिर मैंने ये रख के देखी थी, मैंने कहा था अभी इंस्टॉल मत करना, पहले मैं रख के देखूंगी कि इससे कैसा लुक निकल कर आता है, ये कैसी लगेगी। लेकिन जब इस तरह से पैनल रखे गए ना तो बहुत ही सुंदर लगे, और जो मेरी वो विंडो है ना सामने, उसके ऊपर भी एक वॉल शेल्फ मैंने ओपन शेल्फ निकलवा ली है। और लेकिन कुल मिला के ये पूरी किचन को एक यूनिफॉर्म लाइट का लुक देते हैं। जितनी भी छोटी एलईडी लाइट्स हैं ये सब वार्म वाइट हैं, और ट्यूब्स और बल्ब वो तो वाइट ही हैं। जब कभी भी किचन में आप लाइट्स का अरेंजमेंट कराएं तो इस तरह से रखें कि जब वार्म वाइट इकट्ठे जल सके, और जो आपकी कूल वाइट अगर आपने लगा रखी है ना, एक जैसी लाइट एक बार में जले। काउंटर टॉप पे भी शेल्फ्स के नीचे लाइट्स है, लेकिन ये जो स्ट्रिप लाइट आती है ये वो नहीं है, नॉर्मली जो चिपक जाती है ये वो एलईडी स्ट्रिप लाइट नहीं है। ये छोटे बार्स आते हैं, ये बार की फॉर्म में आती है, ये बार जो है मतलब बड़ी आसानी से पेस्ट हो जाती है, चिपक जाती है और बहुत अच्छा लुक देती हैं। यहीं पे मेरी पहली शर्त थी कि मुझे कोई तार नहीं चाहिए, कहीं कोई वायर मुझे नहीं दिखना चाहिए, तो वो मेरी चीज पूरी हुई, मुझे किचन में कोई वायर नहीं दिख रहा है। तो जितनी उधर की लाइट्स हैं उन सबका कंट्रोल मेरे हॉब के जस्ट पास में, यानी वहीं से बटन दबाओ, सारा कंट्रोल इधर से करो, और जो इधर का सारा कंट्रोल है वो है इस वाले स्विच बोर्ड से। ठीक किया ना, आप बताना मैंने सही किया कि नहीं किया। ये था मेरा एक किचन का टूर वीडियो, जिसका बेसब्री से इंतजार मुझको था कि मैं आपको दिखा सकूं। अभी भी थोड़ा सा काम पेंडिंग है, लेकिन अगर इतना भी पसंद आया हो ना तो एक लाइक जरूर करना। आज है 25th, और मैंने 25 जुलाई को ही सारा किचन का सामान निकाला था, सब मैंने अपनी सारी चीजें सेट करी थी, और आज ही 25 जुलाई है, यानी पूरे एक महीने तक एक मेहनत जो इसके साथ लगी, और मैंने विदाउट एनी प्रेशर, किसी स्ट्रेस के मैंने ये मेहनत करी कि मैं एक अच्छा लुक निकाल के ला सकूं और घर में किसी को भी परेशानी ना हो। तो शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी वो मेहनत रंग लाई, जो कि आप लोगों के सपोर्ट, जो कि आप लोगों के कमेंट थे कि दी आप देखना बनने के बाद किचन बहुत अच्छी लगेगी, तो वो सारी चीजें भी मुझे मोटिवेट करती रही। तो ये था मेरा एक किचन टूर, जिसको कि मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया ताकि जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। ये वॉलपेपर अभी एक घंटे पहले ही कंप्लीट हुआ है। I can make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up? और मैंने फटाक से किचन का टूर वीडियो बना दिया। तो दोस्तों अगर ये सारी चीजें पसंद आई हो ना तो एक लाइक जरूर करना, है ना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। और भी छोटी छोटी चीजें जो इस किचन की हैं उनको आपको बताऊंगी, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉमेंट्स हैं, वो आगे आगे आने वाले वीडियोज में जरूर आएंगे। तो फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight.